morning. Ciao. Good morning. Good morning. Good morning. Hi. क्या हुआ? ऊपर जाने इतना दम गए? भाई बहुत बढ़िया. These are times they won't last forever, but I know that you've been scarred. There's nothing we can't heal together. You know you got my heart, and I'll never leave. No, nothing can make me go. Hey guys, good morning. नए दिन की शुरुआत हो गई है एंड दिस इज अ डे 4 इन वियतनाम एंड वी आर इन दनांग राइट नाउ. और अभी सुबह सुबह का टाइम है, इट्स 6:55 नाउ. अभी हम जस्ट अपार्टमेंट से रेडियो के सब निकले हैं क्योंकि हम जा रहे हैं, वी आर ऑन अ वे टू बाना हिल्स. और ये खड़ी हमारी गाड़ी एक्सपेंडर, फिर से हमें जो पिकअप करने आई है. हमने पूरा टूर वगैरह सब कुछ बुक कराया है बाना हिल्स का, जो हमें पड़ा 9,50,000 डोंग्स पर पर्सन, और जो कैब का दैट इज 7 लाख डोंग्स इंक्लूडिंग पिकअप एंड ड्रॉप फॉर ऑल 6. तो आप हिसाब लगा लेना कितना हो गया. तो बस हम सब रेडी है, अभी हम जा रहे हैं बाना हिल्स. और वियतनाम में कुछ 5 डेज के अंदर कुछ फेस्टिवल है, तो हम कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी क्यू वगैरह है वहाँ से सब बचे हम. तो मैं आपको दिखाता हूँ सब के सब रेडी होके खड़े हुए हैं. तो आप ये गाइस देखिए, सनी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग गाइस. नींद आ गई? बढ़िया. नींद तो पूरी नहीं हुई, बट एक्साइटमेंट पूरी है. हेलो हेलो हेलो, इधर इधर. हेलो. रेडियो सब बाना हिल्स के लिए? यस यस यस. चलो बढ़िया बढ़िया. तो गाइस बस हम रेडी हो रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं हमारी स्कूटी रिटर्न करने का, क्योंकि लाइसेंस जो है सनी का वो बचा हुआ है. तो सनी का लाइसेंस जब आएगा स्कूटी रिटर्न करेंगे, फिर हम निकलेंगे बाना हिल्स के लिए. हेलो, गुड मॉर्निंग. तो गाइस ये है सनी की आईडी. ये ले भाई, तेरी आईडी आ गई. We have reached Bana Hills और अभी हम जा रहे हैं एंट्री करने के लिए. इतना ज्यादा रश है सुबह सुबह, अभी 8 बजे हैं और आप देखिए इतने बसें आई हैं यहाँ पे. कैसा चल रहा है? How's your day? अभी तक अच्छा लगा यार. सनवर्ल्ड बेस्ट. दाना के सबसे ज्यादा डे स्पेंड करो गाइस. पैसे वसूल हो गए हैं अभी. हो ची मिन्ह कम्स डाउन. दाना दाना नमस्ते. नमस्ते. हाउ आर यू? थैंक यू. सो गाइस टाइम टू एंटर द केबल कार. आप देखिए बहुत ही सही लग रहा है, मज़ा आएगा. और केबल कार देखिए कितनी ज़्यादा है, बैक टू बैक बैक टू बैक. और अच्छे इसमें बैठेंगे. नंबर खिड़की खोल दो भाई. ये बात या या या. चलो चलो चलो. No one else.
20 मिनट की तो होगी। वाओ हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ है और हमने ये जावा चिप ली है एंड सम वेजिटेरियन डोनट्स चॉकलेट डोनट्स और ये है चिकन सॉसेज पता नहीं क्या है लुक्स यमी क्या लिखा हुआ है सैनी चीयर्स गाइस चीयर्स तो गाइस आप देख सकते हैं हमने स्टारबक्स से भी खाए और हम फिर निकल गए हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है मतलब मस्ट विजिट है आप देखिए इतने टूरिस्ट आए हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं सनी वो कौन सा था वो एल्पाइन कोस्टर ना एल्पाइन कोस्टर करने हाथ से उसकी हैंड ब्रेक्स होती है बहुत मज़ा आएगा उसमें पर होपफुली रश ना हो लेट्स सी आप देखिए यहाँ पे वाओ वेरी ब्यूटीफुल वर्थ इट है वर्थ इट यहाँ पे आना तो ये देखिए आप हेलो 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 चुचुकु फोटो फोटो चुचु फोटो ओके हेलो स्माइल 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 थैंक यू वेरी मच बाय 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 तो गाइस अभी हम घुसने लगे हैं फैंटेसी वर्ल्ड आप देखिए रहा यहाँ पे सारे झूले हैं और बहुत खतरनाक झूले मैंने सुना है तन्नु भाग्यु और मनप्रीत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्या है ये क्या है ओ अल्पाइन कोस्टर गाइस आप देख सकते हैं ये अल्पाइन कोस्टर है और हम ये करने वाले हैं अभी जस्ट स्टार्ट आ रहा चलो 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 लुक्स अमेजिंग ये इसकी शायद ब्रेक होती है पता चलेगा वहां जाके ये ऑल सेट हेलो मुझे दिखा थोड़ा ऐसे ऊपर 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 शो ऊपर उल्टा करो हाँ हाई क्या हुआ ऊपर से नहीं इतना दम गई नहीं नहीं बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया अल्पाइन कोस्टर इन दनांग बारा हिल्स लवली अमेजिंग गाइस मस्ट है मस्ट वाओ कैमरा लाओ नहीं क्या उन्होंने पर मैं फोन से बना रहा हूँ गोप्रो उन्होंने मेरा अंदर रख दिया कह रहे हो गिर जाएगा
बहुत अमेजिंग फन था. अभी वो सनी और आ रहे हैं, आप देखना गाइस पीछे आने वाले सनी टिमी और. बट इट वाज अ वेरी शॉर्ट राइड, थोड़ा लंबा रखते. और इन्होंने दोबारा जहाँ से हम चढ़े थे वहीं से स्टीप ऊपर रास्ता जाता है, जहाँ से हमने बोर्ड की थी वहीं हम आ गए. और अब पूछते हैं बाकी से, बाकी कैसा लगा फास्ट? इट वाज अमेजिंग बट हां बिकॉज़ ऑफ यू आई डिडंट एंजॉय. व्हाई? Because you didn't let me, you were like cake video. हां वीडियो वीडियो उन्होंने लेने दी. ओहो आ गए आ गए आ गए. कैसा था? मस्त ना? वीडियो बनाए तूने? बनाए सही है. अकेले आई? सही थी ना यार? ओके अच्छे. ओके एक पॉइंट पे आके तेरे मेरे भी एक बार को फट गई. तो गाइस हमने ये फोटोज लिए हैं यहाँ पे, दो फोटोज हमारी बहुत अच्छी फोटो आई थी, एक ये और बाकी हटना लाइट आंदो और एक ये 80,000 की एक फोटो है तो हमने दोनों ले ली 160 की. गाइस मैं एक राइड करके आया हूँ, बहुत ही मुश्किल थी. क्या क्या कहते हैं उस राइड को? फ्री फॉल. मतलब मेरी तो फट गई. तुमने तुम्हारे कुछ नहीं, इसको कुछ होता ही नहीं भाई. और ये भी ऐसा ही है सेम. हम जा रहे हैं नेक्स्ट झूले पे, राइड पे, वो है डिपार्टमेंट ऑफ माइंस. तभी हम आए हैं थोड़े बच्चों वाले झूलों में, क्योंकि जो पहले वाला झूला था कौन सा था? फ्री फॉल. वो हमें पचा नहीं, वो हमें पचा नहीं, मतलब मुझे पचा नहीं, ये तो वीडियो वाला था. तो अभी हम आए थोड़े बच्चों वाले झूले में, वो है डिपार्टमेंट ऑफ माइंस. सन्नू और करण को बहुत डर लगा. हाँ बाकी श्री मनप्रीत और कीरत सिंह बहुत एंजॉय किया करके आए सनी. और इसलिए अभी हम बच्चे देख रहे हैं, बच्चे वाले झूलों गाइस हम एक और जीत गए. ये तन्नो तन्नो ये पैसे खर्चे हो तो दिखाओ, पैसे लाख रुपए खर्चे हैं. गाइस ये है 12 हिल्स का वैक्स म्यूजियम जो हम नहीं जा रहे हैं, मतलब बहुत बोरिंग लगता है मुझे, तो चलते हैं वापस. अब ये देखो गाइस टेडी बेयर वाली लड़कियां. ये मस्ट विजिट है, अगर आप दनांग में हो तो आप पानेल जरूर आना. स्लाइटली टिकट जो इसकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, पर पर्सन इट्स वर्थ. बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत अमेजिंग. हमने बहुत सारी राइड्स करी हैं. अभी रोलर कोस्टर करने जा रहे थे, नहीं रहे एल्पाइन कोस्टर को चलना है? खाली पड़ा है, खाली है भाई. तो गाइस जो इन्होंने टेडी बेयर जीता था दोनों के दोनों, वो इन्होंने सुवेनियर शॉप में आके बेच दिए हैं, क्योंकि एक तो पहली बात ये बहुत भारी थे और दूसरी बात है कि ये हमारे प्लेन में जाएंगे नहीं. तो इन्होंने हमें 2 लाख के खरीदे थे, हमें 3 लाख रुपए का रेट मिल गया. 1 लाख का प्रॉफिट. गाइस ऐसा लग रहा है हम मसूरी में आ गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है. वी आर इन बिटवीन द क्लाउड्स. बहुत फन किया, बहुत. अभी हम जा रहे हैं, सनी कहाँ जा रहे हैं हम? गोल्डन ब्रिज. हाँ गोल्डन ब्रिज जा रहे हैं. गाइस अभी हम देखो ट्रॉली में बैठे हुए, ट्रॉली तो गाइस वी आर गोइंग टू गोल्डन ब्रिज.
हमने बाना हिल्स ऊपर कवर कर लिया, पर अब वो कह रहे हैं कि आपको केबल कार में फिर से बैठना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गो टू गोल्डन ब्रिज एंड वी हैव लैंडेड। हैंड आ गया, हैंड आ गया, हैंड आ गया, हो रहा हो रहा। ओ ये रहा गोल्डन ब्रिज, ये गाइस जाने की भीड़ देखो आप कितनी है, यहाँ से वाट लगेगी हमारी जाते हैं। ये वी आर नाउ एट द गोल्डन ब्रिज, कुआउवांग कहते हैं इसको वियतनामीज में। ये सब अपना झंडा लेके खड़े हुए हैं और हमारा झंडा वो रहा। तो गाइस पर एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे फॉग है, क्लाउड है, क्लाउड्स की वजह से वी आर नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली। मुझे ड्रोन शूट भी करना था पर वो भी नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा है। तो गाइस वी आर ऑन अवर वे बैक टू केबल कार स्टेशन जहाँ से हमने बोर्ड करी थी अपनी ये केबल कार। हमारा जो बारह इंच की जर्नी है वो खत्म हो गई है। तो गाइस हम बस जा रहे हैं वापस और आप देखिए, आप सबसे पूछते हैं इन सबको सबसे बेस्ट क्या लगा बारह इंच में। चलो टिपी तू बता, क्या सबसे बेस्ट क्या था यार? वेदर बहुत अच्छा था यहाँ पे। हाँ क्या कहते हैं, और एक जो राइड थी ना हमने अल्पाइन कोस्टर, वो बहुत बढ़िया थी, वो मतलब हमने दो बार करी सबने और बहुत ही बेस्ट थी। और सबने फोटोज ली है दो दो तीन दिन, बहुत अच्छा लगा। फोटोज दिखाएंगे, फोटोज दिखाएंगे आपको, मैं डालूंगा ब्लॉग में। चलो तू बता। अगेन अल्पाइन कोस्टर और एक जो दूसरा था फ्री फॉल। हाँ बाकी सबसे बेस्ट अल्पाइन कोस्टर और टेडी बेयर बेचना। चलो मनप्रीत तुम्हारी बारी, तुम्हें क्या अच्छा लगा? एंटायर फैंटेसी वर्ल्ड एंड अदर देन दैट अल्पाइन कोस्टर, नहीं द सीनिक ब्यूटी। अल्पाइन कोस्टर क्या अच्छा लगा? वो अच्छा था, फैंटेसी वर्ल्ड का पार्ट था। तू तो मसूरी आ गया तो अल्पाइन कोस्टर का चलो सबको अच्छा लगा ऑब्वियसली बात है, बट द केबल कार राइड इज वेरी गुड एंड वेदर बहुत अच्छा है। अभी बारिश हो रही है आप देखो, आपको शीशे में दिख रहा है। थोड़ा वीकेंड्स को अवॉइड करना, बट हमारे में अच्छी चीज ये थी कि हम बहुत अर्ली मॉर्निंग आ गए तो हमें कहीं पर भी ज्यादा भीड़ नहीं मिली। गाइस आप देखिए, हम .1 बजे बैठे थे केबल कार में ऊपर से और अभी 1:20 हो रहे हैं और अभी तक नहीं पहुंचे हम, तो 20 मिनट्स हो गए हमें चलते हुए। मुझे सबसे बेस्ट लगा अल्पाइन कोस्टर और यहाँ की लड़कियाँ और मसूरी जैसा मौसम। ये मौसम पूरा मसूरी में सेम ऐसे ही होता है, ठंडा ठंडा। तो गाइस हमारी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, तो जो हमारे ड्राइवर जो हमने बुक किए थे वो कह रहे हैं कि ऊपर नहीं आ सकते, तो इसलिए वो हमें फ्री बस जो है वो लेके जाएगी नीचे पार्किंग। तो हम ये बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे, और ये हमारे ड्राइवर हैं जो हमें लेने आए हैं। हाय 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 यो गाइस, बाना हिल्स के बाद सीधा हम आए हैं मानवर रसोई इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि हम सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी और हमने सुबह से कुछ अच्छा खाया नहीं था। मतलब हम थोड़ा बहुत छोटा मोटा खा रहे थे, सॉसेजेस वगैरह। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये एरिया, VIP एरिया, आप घर देखिए, अमेजिंग अमेजिंग। तो अभी हम जा रहे हैं मानवर रसोई, इसका एम्बियंस हमें बहुत अच्छा लगा और फूड ऑप्शंस बहुत हैं। तो गाइस जो अभी हमने खाना खाया था बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब वियतनाम में सबसे बढ़िया खाना मैं वहाँ का लगा, तनांग में खासकर। और अभी हम जा रहे हैं बैक टू आवर अपार्टमेंट 4.5 शेरिटन, और वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो हमने ग्रैब स्कूटी से पूछी, पर ग्रैब स्कूटी का रेट बहुत एक्सपेंसिव था तो हमने ग्रैब की टैक्सी मंगाई है।